हरिवंश पुराण पर्व 8 अष्टम सर्ग। अथांतर ऊपर जिन नाभिराज का कथन किया गया है वे श्रीमान पुरुषों के अनुरूप परिणाम को प्राप्त थे तथा समस्त पुरुषार्थ को मनन करने से मनु कहलाते थे। उस समय दक्षिण क्षेत्र में कल्प वृक्ष रूप प्रसाद अन्यत्र नष्ट हो गए थे, परंतु राधा नाभिराज का जो कल्प वृक्ष रूप प्रसाद था वही पृथ्वी प्रसाद बन गया था। राजा नाभिराज के उस प्रसाद का नाम सर्वोत्तोभद था। उसके खंभे स्वर्णमय थे, दीवालें नाना प्रकार की मणियों से निर्मित थी। वह पुखराज मूंगा तथा मोली मोती आदि की मालाओं से सुशोभित था। 81 खंड से युक्त था और कोट वापिका तथा बाग बगीचों से अलंकृत था। वह अधिष्ठाता नाभिराज के प्रभाव से अकेला ही अनेक कल्पवृक्षों से आवृत था तथा पृथ्वी के मध्य अपने स्थान पर अधिष्ठित था। अथांतर राजा नाभिराज की मरुदेवी नाम की पटरानी थी। वह शुक्ल कुल में उत्पन्न हुई थी तथा जिस प्रकार इंद्र को इंद्राणी प्रिय होता उसी प्रकार राजा नाभिराज को प्रिय थी, जिसके नए नख अत्यंत चमकदार थे और उसके उठे हुए दोनों पैरों के अंगूठे ऐसे जान पड़ते थे मानो ललाट के देखने की इच्छा से ही ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। उसके दोनों चरण उन्नत अग्रभाग से युक्त सम स्निग्ध पतले और लाल लाल नखों की किरणों से शोभा उत्पन्न कर रहे थे, जिनके अंगुल रूपी कलिकाएं परस्पर सटी हुई थी, जिनके गांठें छिपी हुई थी और जो कछुओं के समान उन्नत थे, उनके दोनों चरण कमल कांति रूप जल में मानव तैरी रहे हों। सुंदर मत्स्य तथा शंख आदि के लक्षणों से युक्त जिसके चरण किरणों के समय ही पति का स्पर्श पाकर पति पसीना के संबंध से युक्त होते हैं, अन्य समय नहीं। अनुक्रमिक गोलाई से युक्त तथा रोम एवं नसों से रहित उनकी दोनों जंघाएं सौंदर्य रस से भरे हुए मानो कामदेव के दो तरकशी हों। गुण संधि से युक्त जिसके दोनों कोमल घुटने पति के अवयव को कोमल स्पर्श जन्य सुख प्रदान करते थे। केले के स्तंभ सार रहित हैं और हाथी और शुदा दंड कठोर स्पर्श से युक्त हैं, अतः विस्तार रूपी गुणों से युक्त होने पर भी दोनों मरुदेवी के जांघों के समान नहीं थे। जिनके कूले गर्त विशेष से मनोहर नितंब और स्थूल जघन सादृश्य से परे थे अर्थात अनुपम थे। जिसकी आवर्त जल भवर के समान गोल गहरी और रोमराजी से युक्त नाभि राजा नाभिराज के हर्ष का कारण थी। जिसकी रोम रहित पतली एवं त्रिवली से युक्त कमर ऐसी जान पड़ती थी मानो गोल सम ऊंचे और स्थूल स्तनों के भार से ही झुक रही हो। जिस प्रकार मंद भय के साथ कीड़ा करते हुए चकवा चकियों के युगल नदी से शुभ देते हैं, उसी प्रकार जिसका वक्ष स्थूल कठोर स्तनों के मंडल से सुशोभित हो रहा था, जिसकी हथेलियां लाल लाल थी, जिसकी कोहनी और कलाई उत्तम थी, जिसके कंधे शोभास्पद थे, ऐसे उसकी दोनों कोमल भुजाएं कामपाश के समान जान पड़ती थी। उसकी ग्रीवा शंख के आवाज के समान थी, अधर पल्लव मूंगा के समान थे और दांत मोतियों के समान प्रकाशमान थे, इसीलिए वह समुद्र की बेला के समान सुशोभित हो रही थी। जिसका तालू और जिह्वा का अग्रभाग अत्यंत लाल था ऐसा उसका अंतर्मुख सुशोभित था और जब उसके शब्द निकलते थे तब वह कोकिला के शब्दों को भी अपशब्द कर देती थी, फीका कर देता था। प्रिया के मुख के समान जब नाभिराज अपना मुख देखने की इच्छा करते थे तब सामने स्थित मरुदेवी के दोनों कपोल दर्पण ऐसे जान के समान हो जाते थे। ठीक बीच में स्थित सम और समान पुट वाली उसकी नासिका ऐसी जान पड़ती थी मानो स्पर्धा करने वाले दोनों नेत्रों के पारस्परिक दर्शन को ही रोत रही हो। सफेद काले और लाल इन तीन वर्ण के कमलों को समान जिसके बड़े बड़े नेत्र किसी मंत्र की सलाह करने के लिए ही मानो कानों के समीप तक गए थे। जिसकी पतले वैभवें दूर ना दूर थी ना ही पास थी, शुभ लक्षणों से युक्त तथा चढ़ाए हुए धनुष के समान सुशोभित थी। जिसका ललाट पट्ट ना अधिक नीचा था ना अधिक ऊंचा था, इसलिए उसका सादृश्य प्राप्त करने के लिए अर्धचंद्र की सामर्थ नहीं थी। जिसके कानों का युगल अपने कुंडलों के गालों को उज्ज्वल बना रहा था, स्थूल था, कोमल था और समानता था, उसकी कहीं भी उपमा नहीं थी। काले घुंघराले और चिकने महीन केशों से युक्त जिसके शिर की शोभा वचन मार्ग को उल्लंघन करे थे, जिसके मुखमंडल की शोभा से पराजित करता हुआ पूर्ण चंद्र मानसिक व्यथा से मानो अत्यंत सफेदी को प्राप्त हो गया था। चंद्रमा की मूर्ति 16 कलाओं से युक्त है और मरुदेवी 72 कलाओं से सही थी। चंद्रमा की मूर्ति कलंक सही थी और मरुदेवी अत्यंत उज्ज्वल थी, अतः चंद्रमा की मूर्ति से उनकी तुलना कैसे हो सकती है। मरुदेवी 64 गुणों से युक्त थी अथवा पृथ्वी मात्र चार गुणों को धारण करने वाली है। मरुदेवी कोमलता की अतिक्षय को प्राप्त की और पृथ्वी अत्यंत कठिन है, अतः यह उसके तुल्य कैसी हो सकती है। यदि भी जल सिग्ना कुछ चिकनाइयों से युक्त है पर मरुदेवी स्निग्धता अत्यधिक चिकनाई से युक्त थी। जल जल स्वरूप है, मूर्ख है
और मरुदेवी कलाओं में निपुण थी। जल अन्य प्रेरणा दूसरों के द्वारा ले जाने योग्य और मरुदेवी अन्य प्रेरणा नहीं थी, स्वावलंबी थी, उसकी जल के साथ उपमा कैसे हो सकती है। यद्यपि अग्निदेवी मरुदेवी के समान भास्वर स्वरूप है, परंतु साथ ही दायमय भी अतः वह मरुदेवी के शरीर की उपमा कैसे प्राप्त कर सकती। मरुदेवी दर्शन और स्पर्श दोनों के द्वारा नाभिराज को अत्यंत सुख देने वाली थी, परंतु वायु मात्र के स्पर्श के द्वारा सुख पहुंचानी थी, अतः वह वायु के समान कैसे हो सकती है। मरुदेवी पृथ्वी के हृदय का स्पर्श करने वाली थी, जबकि आकाश स्पर्श से सूर्य तथा शुद्ध होने पर भी आकाश रूपी शक्ति के सदस्य कैसे हो सकती है। कल्प वृक्षों से उत्पन्न हुए 14 प्रकार के आभूषण जिसके अंग प्रत्यंग का संबंध पाकर भूष्मिता को प्राप्त हुए, अतः भावभूषण ने उसके शरीर को भोजित नहीं किया किंतु उसके शरीर ने ही आभूषण को भोजित किया। उस मरुदेवी के साथ स्वर्ग लोक के समान भोगने वाला राजा नाभिका यदि स्पर्श वर्णन करने के लिए कोई समर्थ हो तो वक्ता शुक्र और बृहस्पति ही समर्थ है, अन्य नहीं। अथान्तर जब प्रथम तीर्थंकर भगवान वृषभ देव सर्वात सिद्धि विमान से च्युत हो राजा नाभिराज और मरुदेवी के यहाँ अवतार लेंगे, उसके 6 माह पूर्व से ही उनके घर के आंगन में इंद्र की आज्ञा से कुबेर के द्वारा छोड़ी हुई रत्नों की धारा आकाश में पड़ने लगी। श्री लक्ष्मी धरती कीर्ति आदि 99 विद्युत कुमारी और दिक कुमारी देवी भी 6 माह पहले से ही बड़े हर्ष के साथ दिशाओं और विदिशाओं से आ गई थी। उन्होंने आकर बड़े संतोष से जिनेन्द्र भगवान के होनहार माता पिता को नमस्कार किया और हम इंद्र की आज्ञा से स्वर्गलोक से यहाँ आई है, इस प्रकार अपना परिचय दिया। हे देवी, आज्ञा दो सस्मृति समृद्धि संपन्न हो और चिरकाल तक जीवित रहो, इस प्रकार के उत्तम वाणी को बोलती हुई वे देवियां महान आदर के साथ मरुदेवी के आदेश की प्रतीक्षा करने लगी। उस समय परम आश्चर्य को प्राप्त हुई, कितनी देवियां मरुदेवी के रूप यौवन सौंदर्य सौभाग्य आदि गुणों के सागर का वर्णन करती थी। कितनी ही देवियां मरुदेवी के अक्षर विज्ञान, चित्र विज्ञान, संगीत विज्ञान, गणित विज्ञान और आगम विज्ञान को लेकर आदि को लेकर उनके कौशल कला कौशल की प्रशंसा करती थी। कितनी ही देवियां स्वयं अपनी तंत्री और तथा वीणा की आदि के चित्र विषय चित्र दिखलाती थी। कितनी ही कानों के लिए रसायन स्वरूप मधुर कान गाती थी। हाव भाव और विलास से भरी हुई कितनी देवियां सुंदर अभिनय से युक्त श्रृंगार आदि रसों से युक्त नेत्रों के लिए अमृत स्वरूप मनोहर नृत्य करती थी। कोमल हाथों को धारण करने वाले कितनी ही देवियां मरुदेवी के हाथ दाबने में, कितनी ही पैर दाबने में, कितने ही अन्य अंग दाबने में लगी थी। कितनी ही शरीर पर तेल का मर्दन करने में, कितनी उपटन लगाने में, कितनी स्नान कराने में और कितनी स्थान के वस्त्र निचोड़ने में तत्पर थी। कोई उत्तम गंध के लाने में, कोई उसका लेप लगाने में, कोई चित्र विचित्र रस संभालने में और कोई वस्त्र पहनाने में लग गई। कोई आभूषण तथा मालाओं के लाने में, कोई शरीर के सजावट में, कोई दिव्य भोजन लाने में और कोई भोजन कराने में व्यग्र थी। कोई विस्तृत आसन के बिछाने में, कोई पान लगाने में, कोई पीकदान रखने में और कोई गृह संबंधी कार्य में, कोई दर्पण उठाने में, कोई चमर ग्रहण करने में, कोई छत्र लगाने में और कोई पंखा झलने में तत्पर थी। कितनी ही देवियाँ हाथ में तलवार ले अंग रक्षा करने में तत्पर रहती थी एवं ग्रह राक्षस और पिशाचों के द्वारा रक्षा करते हुए जागृत रहती थी। कितनी ही देवियाँ घर के भीतरी द्वार पर और कितनी ही बाह्य द्वार पर तलवार चक्र गदा शक्ति और स्वयं में छड़ी हाथ में लेकर खड़ी थी। इस प्रकार लेख में जो दूसरे के लिए दुर्लभ थी ऐसी देवी द्वारा अपनी आज्ञा की पूर्ति देखकर तथा लगातार 6 माह से पड़ी हुई रत्न धारा से राजा नाभिराज और मरी देवी ने निश्चय कर लिया कि हमारे यहाँ सबके द्वारा प्रार्थनीय तीर्थंकर का जन्म होगा। अतंतर मनोहर ताराओं से सेवित चंद्रकला के समान अनेक देवियों से सेवित मनोहरांगी मरुदेवी शरद ऋतु की मेघावली के समान सफेद एवं अगरु चंदन से सुवासित राजभवन में नाना गद्दा तकियों से युक्त चंद्र तुल्य सैयायान पर शयन करी थी कि उसने रात्रि के पश्चिम भाग में निधियों के समान शुभ सूचक इन दुर्लभ 16 सपनों को क्रम से देखा। प्रथम ही उसने सफेद हाथी देखा, ऐसा हाथी जो अत्यधिक मध्य की धारा से गिली सूंड और उसके अग्रभाग को धारण कर अर्थी भ्रमर जिसके आसपास गुंजार कर रहे थे। वह हाथी किसी राजा के समान जान पाता था क्योंकि जिस प्रकार राजा के कर पुष्कर हस्त कमल अत्यधिक दान के संकल्प के लिए ग्रहित जल की धारा से खिले रहते थे, उसी प्रकार उस हाथी के कर पुष्कर सूंड और उसके नतने अत्यधिक दान मत जल की धारा से गीले थे और जिस प्रकार राजा के समीप खड़े अर्थ दान के अतिजन उसकी स्तुति किया करते हैं, उसी प्रकार दान मर्द के अति भ्रमर उसके समीप गुंजार कर रहे थे। दूसरी बार उसने भद्र आकृतियों को दान करने वाला एक धीरवीर बैल देखा। वह बैल ठीक धर्म के समान जान पाता था क्योंकि जिस प्रकार धर्म अपनी मधु देशना से एकांतवादी प्रतिपक्षियों को पराजित कर देता है, उसी प्रकार वह बैल भी अपनी हुम्बा ध्वनि से प्रतिपक्षी बैलों को पराजित कर रहा था। जिस प्रकार धर्म शुभ अभ्युदय को देता है, उसी प्रकार वह बैल भी शुभ अभ्युदय को सूचित करने वाला था। जिस प्रकार धर्म भद्राकृति मंगलकारी होता है, उसी प्रकार वह बैल भी भद्राकृति उत्तम आकृति का धारक था। जिस प्रकार धर्म धीर वीर धीर धीर बुद्धि को प्रेरणा करने वाला है, उसी प्रकार वह बैल भी धीर गंभीरता और जिस प्रकार धर्म उन्नत उत्कृष्ट होता है, उसी प्रकार वह बैल भी उन्नत ऊंचा था। तीसरी बात तीक्ष्ण नख दृष्टा और सटा गर्दनों के बलों से सुंग युक्त देखा। वह सिंह ऐसा जान पाता था मानो पहले स्वप्न में दिखे हुए हादी के मंद की गंध पा उसे ढूंढने के लिए तैयार खड़ा हो। चौथी बार उसने नाना रत्नमयी गणों के विशाल शब्द से युक्त मदोन्मत हाथियों के द्वारा कमल पर बैठी हुई लक्ष्मी का अभिषेक देखा।
लक्ष्मी का वह अभिषेक ऐसा जान पड़ता था मानो इंद्रधनुष से उपलक्षित एवं गणगौर प्रजना करने वाला मेघ नूतन जल से पृथ्वी का ही अभिषेक कर रहा हूँ। पांचवी बार उसने नाना पुष्पों से व्याप्त तथा अत्यंत सुगंध से दो तो बड़ी बड़ी मालाएं देखी। वे मालाएं ऐसी जान पड़ती थी मानो समस्त ऋतुओं की लक्ष्मी ने मिलकर मरुदेवी की सेवा के लिए उन मालाओं को बनाकर ऊपर रखा हो। छठवीं बार उसने चंद्रमंडल को देखा। वह चंद्रमंडल ऐसा जान पड़ता था मानो तारा रूपी आभूषणों से युक्त स्त्री रूपी स्त्री के द्वारा ऊपर उठाया हुआ छत्र हो, ऐसा छत्र जिसके नीचे की ओर आने वाली किरणों का समूह ही दंड का काम दे रहा था। सातवीं बार उसने संध्या की लालिमा रूपी अंगराग से युक्त उदित होता सूर्य देखा। वह सूर्य ऐसा जान पड़ता था मानो पूर्व दिशा रूपी स्त्री ने मंगल के लिए सिंदूर से रंगा हुआ कलश ही ऊपर उठाया हो। आठवीं बार उसने जल के भीतर क्रीड़ा करते हुए दो मीन देखे। वे मीन ऐसे जान पड़ते थे मानो अपने उदर की शोभा को हरने वाले चंचल नेत्रों का उलाना देने के लिए मरुदेवी के पास आया हूँ। नौवीं बार उसने जल से भरे हुए दो स्वर्णमय विशाल कलश देखे। ऐसे वे कलश जान पड़ते थे मानो अपनी उपमा धारण करने वाले माता के स्तनों को देखने के लिए ही ऊपर उठे हूँ। दसवीं बार उसने ऐसा सरोवर देखा जो किसी बलिष्ठ सेना के समान जान पड़ता था, क्योंकि जिस प्रकार सेना सौंडंड पुर करी गौ ऊपर उठे दंडों से युक्त छत्रों से समूह होती थी, उसी प्रकार वह सरोवर भी 100 दंड पुष्ण कीरी कौद ऊंचे उठे डंडलों से युक्त श्वेत कमलों से समूह से सहित था। जिस प्रकार सेना राजहंस मनोहर उत्तम राजाओं से मनोहर होती है, उसी प्रकार वह सरोवर भी राजहंस मनोहर हंस विशेषों से सुंदर था। जिस प्रकार सेना रथ पादा तिन्ना दाणे रथ के पहियों की विशाल चितका से युक्त होती है, उसी प्रकार वह सरोवर भी रथ पादा तिन्ना दाड़े चक्रवाक पक्षियों के अत्यधिक शब्द से युक्त था। 11वीं बार उसे बढ़ता हुआ ऐसा महासमुद्र देखा जो ठीक आकाश के समान जान पड़ता था, क्योंकि जिस प्रकार आकाश मीन मिथुन मकर आदि राशियों से युक्त होता है, उसी प्रकार महासमुद्र भी उत्तम मीन युगलों की उच्छल कूद था, मगरमच्छ आदि के विशाल राशि से पूर्ण था। 12वीं बार उसने सुवर्णमय सिंहासन देखा। वह सिंहासन जिस प्रकार सबल भुजाओं के धारक प्राण दृष्टि से युक्त एवं कार्य करने में तत्पर कुलकरों के द्वारा जगत धारण किया जाता है, उसी प्रकार मजबूत भुज स्तंभों से युक्त प्राण दृष्टि से सहित और ऊपर की ओर मुख किए हुए सिंहों के द्वारा धारण किया गया था। 13वीं बार उसने एक विमल मान देखा जो ऐसा जान पड़ता था मानो मनुष्य को स्वर्ग लोक का सुंदर दिखाने के लिए सुंदर गीत गाने वाली देव कन्या उसे पृथ्वी पर ले आई हो। 14वीं बार उसने नागेंद्र का भवन देखा जो कि ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी शोभा से नाग लोक को जीत चुका हो तथा अन्य लोगों को जीतने की इच्छा से नाग कन्या उसे पृथ्वी पर लाई हो। 15वीं बार उसने आकाश में महारत्नों की ऐसी राशि देखी जो अपनी उन्नत किरणों के द्वारा मेघ रहित आकाश में बिजली और इंद्रधनुष से शोभित मेघ की रचना कर रही थी। और 16वीं बार उसने अत्यंत निर्मल एवं घूमती हुई ज्वालाओं से युक्त निधूम अग्नि देखी। वह अग्नि से जान पड़ती थी मानो चंचल फूलों से युक्त पलाश के बड़े बड़े वृक्षों का समूह ही हो। इस प्रकार पृथक पृथक दिखने वाले 16 सपनों को देख के रानी मोदी ने उस समय बाद बैल के रूप में मुख मार्ग से प्रवेश जिनेन्द्र भगवान को भीतर धारण किया। मैं स्वामिन के उत्तम सपनों को देखने का नूतन आनंद प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए कृत कृत हुई रानी मरुदेवी ने की निद्रा रूपी सखी कहीं भाग निकली। महादे रानी मरुदेवी स्वप्न दर्शन के बाद जाग गई थी, इसलिए दिक्क कुमारियों के द्वारा उसे जगाने के लिए हे पदार्थों को जानने वाली माता जागो, हे वृद्धि रूपिणी माता वृद्धि को प्राप्त हो, हे जयलक्ष्मी की स्वामिनी पूर्ण मनोरथों वाली माता जयवंत रहो इत्यादि कहकर वचन केवल मंगल रूपता को प्राप्त हुए थे। हे माता, यह चंद्रमा दोषाकार दोषों की खान और कलंकी दोषयुक्त है, अतः तुम्हारे निष्कलंक और गुणों की खानभूत मुख चंद्र को देखकर लज्जा से ही मानव प्रभा रहित हो गया है। अब तो यह घर तुम्हारे दोनों की प्रभा से प्रकाशित है, हम लोगों की आवश्यकता नहीं है। यह विचार कर ही मानो यह दीपक स्फुरण के बहाने अपने आप की हंसी कर रहा है। हे माता, यह प्रातः संध्या दुष्ट की चंचल मित्रता के समान राग रहित होती जा रही है, अतः जिस प्रकार दुष्ट की मित्रता प्रारंभ में राग से सहित होती है और क्षण क्षण बाद ही शत्रुओं को अनुजित करने लगती है, उसी प्रकार यह प्रातः संध्या पहले तो राग अर्थात लालिमा से रहित सहित थी और अब क्षण वर्ष बाद लालिमा से रहित हुई जा रही है। इस जिस प्रकार दुष्ट की मित्रता वंध्या निष्फल रहती है, उसकी किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती है, उसी प्रकार यह प्रातः संध्या भी बंध्या है जिससे किसी कार्य की सिद्धि दृष्टिगत नहीं हो रही है, और यह उदित होते हुए भी सूर्य की प्रभा सज्जन की मित्रता के समान उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार सज्जन की मित्रता प्रारंभ में मत्सर युक्त होने के कारण फीकी हो जाती है और आगे चलकर खूब फैल जाती है, उसी प्रकार सूर्य की प्रभा पहले मंद होती है और आगे चलकर खूब फैल जाती है।
सर्वत्र व्याप्त हो जाती है। जिस प्रकार सज्जन की मित्रता सार्थक, उसी प्रकार सूर्य की प्रभा सार्थक है। भास्वर अंबर दधिपिमान आकाश ही जिसका आभूषण है, पक्ष में जिसके वस्त्र और आभूषण दधिपिमान का, भास द्वेष का सूर्य जिसका तिलक है। ऐसी ये पूर्व दिशा सौभाग्यवती स्त्री के समान मानो तुम्हारा मंगल दर्शन करने के लिए उदित हुई है। वापिकाओं में लंबी रात बिताने के बाद अब सूर्य का दर्शन हुआ है, इसलिए यह चक्यू पसंद हो रही है, अपने मधुर शब्द कर रही है अथवा मधुर शब्द करने के लिए आत्मीयजनों को इकट्ठा कर रही है। इधर मधुर शब्द करता हुआ यह कल हंसों का समूह तुम्हें उठा रहा है, जिससे जान पड़ता है मानो तुम्हारे पाद निपेक्ष निश्वे की नीला को देखने के लिए अत्यंत उतावला हो रहा है। जो मंद मंद वायु से हिल रहा तथा अभिनय की मुद्रा को धारण किए हुए, ऐसे ये वृक्ष आपके लिए मानो अपने नृत्य का आरंभ ही दिखला रहे हैं। हे माता, इस समय तुम्हारी समस्त दिशा तुम्हारी चेष्टा के समान निर्मल हो गई है तथा सुंदर प्रातःकाल हो गया है। इसलिए हे अनिंदे अनिंदे देवी, शैया को छोड़ो। इस प्रकार बंदी जनों के द्वारा वंदनीय एवं निर्मल शरीर को धारण करने वाली महारानी मरुदेवी ने शैया को उस प्रकार छोड़ा जिस प्रकार की हंसी नदी की रेतीले तट को छोड़ती है। उज्ज्वल कांति को धारण करने वाली मरुदेवी धुले हुए वस्त्र को पहन कर जब शयनागार से बाहर निकली, तब शरद ऋतु के मेघ से बाहर निकली हुई चंद्रमा की पतली कली का समान सुशोभित होने लगी। विद्युत कुमारी और दिक कुमारी देवी ने जिसे नवीन नवीन आभूषण पहनाए थे तथा जो अंतर्गत गर्भा होने से ग्रहित जला मेघ माला के समान जान पड़ती थी, ऐसी मरुदेवी नाभि राज रूपी पर्वत के समीप गई। जो शोभा में लक्ष्मी के समान जान पड़ते थे, ऐसी मरुदेवी वहां जाके अपने आसन पर बैठी और हस्त कमल जोड़ भद्रासन पर बैठे हुए महाराज से क्रम पूर्वक सपनों का वर्णन करने लगी। सपनों का फल समझ के महाराज नाभिराज का, हे प्रिय निश्चय ही आज तुम्हारे घर ने तीन लोक के नाथ तीर्थंकर ने अवतार लिया है। दूरवर्ती तथा अल्प फल की प्राप्ति के लिए ऐसे स्वप्न नहीं दिखते, इसलिए मुझे विश्वास है कि आज ही आपके घर पर रहा है। लगातार 6 माह से होने वाले रत्नों की वर्षा और देवताओं के द्वारा हुई शुषा से हम दोनों की जिनेन देव की चीज जिनसे उनकी सुंदर मिली थी वह आज सफल हुई है। हे प्रिय निश्चय समस्त कल्याणों के प्राप्त रूप पुत्र को उत्पन्न कर तुम शीघ्र ही संसार को आनंदित करोगी। इन उत्तम सपनों का फल अपने आप में शीघ्र ही संगठित हो चुका है, यह सुन दीप्ति और कांति को धारण करती हुई मरुदेवी बहुत ही प्रसन्न हो रही थी। तीसरे काल में जब 84 लाख पूर्व 3 वर्ष 8.5 माह बाकी रहे थे, तब आषाढ़ कृष्ण द्वितीया के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र में समस्त जग के द्वारा नमस्कृत श्री जिनेन्द्र देव का स्वर्गातरण हुआ था। क्रम क्रम से गर्भ में वृद्धि होने पर माता का शरीर बढ़ गया था, परंतु त्रिवली की शोभा कहीं नष्ट ना हो जाए इस भय से मानव उसके उदर में वृद्धि नहीं हुई। माता मरुदेवी स्वयं अत्यधिक गौरव से सुशोभित थी और उसके तीनों जगत के गुरु भारी पक्ष में श्रेष्ठ जिनेन्द्र देव का धारण कर रही थी, फिर भी वह शरीर में अत्यधिक लघुता का अनुभव करती थी। यह बड़े आश्चर्य की बात है। मैं गर्भ में स्थिर रह के माता के संताप का कारण न बनूं, यह जानकर ही मानो जिस बालक गर्भ में अत्यंत निश्चर रहते थे। माता के गर्भ में उनका निवास वैसा ही था जैसे कि जल के प्रतिबिंब सूर्य का होता है। मति शुद्ध और अवधि इन तीन ज्ञान रूपी नेत्र को जानने द्वारा जगत को देखने हुए जिन बालक दिक कुमारियों के द्वारा शुद्ध किए हुए गर्भ में 9 माह तक सुख से स्थित रहे। तदंतर 9 माह पूर्ण हो जाने पर लगातार रत्नों की वर्षा हो रही थी, तब उत्तर आशा नक्षत्र के समय माता ने जिन बालक को उत्पन्न किया, जिस प्रकार निर्मल पूर्व दिशा में विशुद्ध स्फटिक के तुल्य मेघ मंडल के मध्य से निकला हुआ सूर्य सुशोभित होता है, उसी प्रकार माता मरुदेवी के स्फटिक के समान स्वच्छ गर्भ से निकले हुए जिन बालक सुशोभित हो रहे थे। उस समय वहां जो देवियां थी वे शीघ्र ही करते योग्य जात कर्म में लग गई, सो ठीक ही है, क्योंकि जो अंतरंग व्यक्ति होते हैं वे संसार में शीघ्र ही अपने करने योग्य काम में लग जाते हैं। चंचल कुंडलों से प्रकार से जिनका कपोल सुशोभित है, ऐसी विजया वैजयंती जयंती अपराजिता नंदा नंदोतरा नंदी और नंदी वदना, ये 8 दुख कुमारियां देवियां हाथों में झारिया लेकर खड़ी थी। नाना प्रकार के आभरणों से सुशोभित सुस्थिता प्राणीधान्या सुप्रभा यशोदारा लक्ष्मीमती कीर्तिमती वसुंधरा और 8 चित्रा, ये 8 दुख कुमारियां देवियां हाथों में दर्पण लिए खड़ी थी। अपने शरीर की शेष प्रभा से दिशाओं को सुशोभित करने वाली ईला सूरा पृथ्वी पद्मावती कांचना सीता नौमिका और भद्रका, ये 8 दिक्कुमारियाँ आश्चर्य देवी आश्चर्यचकित हो सफेद छत्र धारण कर रही थी। दधिपिमान स्वर्ग स्वर्ण के कुंडलों को धारण करने वाली री थ्री धति वारणी पुंडरीकिणी अलम्बुसा अम्बुजाश्री और मिश्र केशी, ये 8 दिक्कुमारी देवियाँ दधिपिमान सुवर्णमय डंडों से युक्त चामर लेकर खड़ी थी। बिजली के समान प्रभाव वाली चित्रा कनक चित्रा सूत्रामणि और त्रिशिरा, इन 4 विद्युत कुमारी देवियों ने
सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश कर दिया था। विजया, वैजयंती, जयंती और अपराजिता चार देवियां विभूति कुमारों में प्रमुख थीं। रुचिका, रुच कोजुला, रुचिका काबा और रुचक प्रभा, ये चार देवियां दिक कुमारों में प्रधान थीं। इन आठ देवियों ने विधि पूर्वक जिनेन्द्र देव का जात कर्म किया था। ये देवियां जात कर्म में अत्यंत निपुण है और जहाँ सब जगह जिनेन्द्र देव का जात कर्म ये देवी ही देवियां करती हैं। उस समय तीनों लोकों में जो इंद्र थे, जिनेन्द्र जम के प्रभाव से उन सबके मुकुट चंचल हो गए, उन सबके आसन कंपायमान हो गए। अवधि ज्ञान का प्रयोग करने वाले अहमिंद्र अपने अपने निवास स्थानों में ही स्थित रहे। मात्र उन्होंने सिंहासन से 7 डग चलकर जिनेन्द्र भगवान को शीघ्र ही परोक्ष नमस्कार किया। भवनवासी देवों के लोक में अपने आप शंखों का शब्द, वेंत्रों के लोक में भेरी का शब्द और ज्योतिष देवों के लोक में सिंहों के शब्द होने लगे। श्रेष्ठ घंटाओं के जोरदार शब्द ने कल्पवासी लोक के देवों के लोक को व्याप्त कर दिया था। उस समय तीन लोक क्या करना चाहिए यह विचार में तत्पर हो गए। उस समय आसन के कंपायमान होने से जिसकी बुद्धि चकित हो गई थी, ऐसा सौदमय मुंत मुकुट हिलाकर तथा ऊंचे मस्तक को कंपाकर विचार करने लगा कि उत्तम बालक, मूर्ख, स्वच्छंदा, सहसा कार्य करने वाले, निर्भय एवं शंका रहित किस व्यक्ति ने यह कार्य किया है। अपने पराक्रम से सुशोभित देव दानवों का समूह भी यह कदाचित प्रतिकूल हो जाए और तो उसे भी नष्ट करने में समर्थ है। ऐसा मैं इंद्र, शुक्र या पुरंदर हूँ, फिर मेरे अकंपित आसन को कंपित करने वाला इस मूर्ख ने इस समय मुझे कुछ क्यों नहीं समझा। मैं तीनों लोकों में तीर्थंकर के सिवाय किसी दूसरे प्रभु ऐसे प्रभाव से युक्त नहीं समझता हूँ। ऐसा विचार कर उसने अविधि ज्ञान का आश्रय लिया। तदंतर सौदम देव ने प्रकट हुए अवधि ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए प्रथम तीर्थंकर को देख लिया। उसने शीघ्र ही आसन से उतर कर 7 डग आगे जाकर जिनेन्द्र भगवान की जय हो यह कहते हुए हाथ जोड़कर उसने प्रणाम किया। तदंतर सिंहासन पर आरूढ़ हो सौदामिनी ने विचार करते ही नमस्कार कर सेना सामने खड़े हुए सेनापति को आदेश दिया। इस समय अवसर्पणी के प्रथम तीर्थंकर उत्पन्न हो चुके हैं, अतः समस्त देवों को भरत क्षेत्र चलना है। तुम यह सूचना सबके लिए दो। सेनापति के द्वारा स्वामी का आदेश सुनाए जाते ही सौधर्म स्वर्ग में रहने वाले समस्त देव चल पड़े तथा अच्युत स्वर्ग तक के समस्त इंद्र स्वयं ही समाचार को जान देवों के बाहर निकले साथ बाहर निकले। अपने अपने स्थानों में होने वाले निमित्तों से जिन्हें जिनेन्द्र जन्म का समाचार ज्ञात हुआ था, ऐसे हर्ष से भरे हुए ज्योतिषी, वेंतर और भवनवासी देव अपने अपने स्थानों से बाहर निकले। उस समय हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल, सैनिक, बैल, गंधर्व और नर्तकी 7 प्रकार की सेनाओं से आकाश व्याप्त हो गया। असुर कुमार आदि 10 प्रकार के भवनवासी देवों की भैंसा, नौका, गेंडा, हाथी, गरुण, पालकी, घोड़ा, ऊंट, मगर, हाथी और हंस को आदि लेकर क्रम से जो 7 प्रकार की सेनाएं थी उन सबको व्याप्त हुआ और आकाश उस समय अत्यंत उन देवों में कितने ही दिन विमानों में बैठे थे और कितने ही बैलों पर, कितने ही रोजों पर, कितने ही रथों पर, कितने ही घोड़ों पर, कितने ही अष्टापद और शार्दुलों पर, कितने ही मगरों पर, कितने ही ऊँटों पर, कितने ही वरा और भैंसों पर, कितने ही सिंगों पर, कितने ही हरिणों पर, कितने ही चित्तों पर, कितने ही हाथियों पर, कितने ही सुराय गायों पर, कितने ही सामान्य हरिणों पर, कितने ही श्याम हरिणों पर, कितने ही गरुणों पर, कितने ही तोताओं पर, कितने ही कोकिलाओं पर, कितने ही कौंस पक्षियों पर, कितने ही कुर्रों पर, कितने ही मयूरी और मुर्गों पर, कितने ही कबूतरों, हंसों, कारंडों और सारसों पर, कितने ही चकवों और बलाकाओं के समूह पर और कितने ही बगुला आदि जीवों पर बैठे थे। इस प्रकार उस समय चारों निकायों के देव इधर उधर जा रहे थे। सफ़ेद छत्रों, नाना प्रकारों और फेन के संवाद सफ़ेद चमरों से समस्त आकाश को व्याप्त करते हुए वे चारों निकायों के देव जहाँ तहाँ चल रहे थे। भेरी, धुंधपि तथा शंखा आदि के शब्दों से जिसने समस्त लोगों को भर दिया था और जो नृत्य और गीतों से युक्त था, ऐसा वह देवों का आश्चर्यकारी आगमन अत्यधिक सुशोभित हो रहा था। उस समय सौधर्मेंद्र हाथियों की सेना के अधिपति तथा आकाश के समान अपने शरीर की विक्रिया करने वाले ऐरावत हाथी पर आरूढ़ था। वह ऐरावत दोनों सिखों के बीच उठी हुई सूर्य के अग्रभाग फैलाए हुए था, जिसके बांसों के अंकुशों के बीच सर्पराज ऊपर की ओर उठ पड़ा था, ऐसे पर्वत के समान जान पड़ता था। वह ऐरावत ठीक आकाश के समान जान पड़ता था, क्योंकि जिस प्रकार आकाश बला का और हंस का और बिजलियों से युक्त होता है, उसी प्रकार वह हाथी भी कर्ण, चामर, शंख और कक्षा में लटकी हुई नक्षत्र माता से युक्त था। अन्य दूसरे गजराजों पर बैठे हुए इंद्रों के समूह से युक्त सौधर्मेंद्र समस्त देवों के साथ साथ जिनेन्द्र भगवान के पवित्र जन्म क्षेत्र को प्राप्त हुआ था।
आकाश से उतरती हुई उस सुर और असुरों की पंक्ति ने पृथ्वी पर कुबेर के द्वारा निर्मित नगर को ऐसा देखा मानो स्वर्ग ही हो। वह नगर धूलि के बंधान, कोट और परिखा के चक्र से मनोहर था। उद्यान, वन, आराम, सरोवर और वापिकाओं से अलंकृत था। इंद्रनील, महानील, हीरा और वैडूर्य मणि की दीवालों से युक्त तथा पद्मराग आदि मणियों की प्रभा से परिपूर्ण वहाँ के भवन अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे। उस नगर की शोभा को देखने वाला असुर और असुरों का मन स्वर्ग तथा पाताल संबंधी शोभा को देखने के लिए उत्कंठा दूर कर चुका था, क्योंकि सुर असुर आदि तीनों लोगों आदि तीनों जगत के जीव वहाँ पहले पहुँच चुके थे। इसलिए वह कीर्तिशाली नगर उस समय से साकेत नाम से इस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तदंतर देवों के साथ उस नगर की तीन प्रक्षणाएं देखकर सौदामिनी ने भीतर प्रवेश की और पवित्र जिनेन्द्र को लाने के लिए इंद्राणी को आज्ञा दी। इंद्र की आज्ञा पाते ही इंद्राणी ने माता के प्रसूतिगृह में प्रवेश किया और देवकृत माया से माता को सुख निंद्रा में निमग्न कर उसके पास मायामयी दूसरा बालक लौटा दिया। तत्पश्चात प्रणाम करने के लिए जिन देव को लेकर इंद्र ने के हाथों में सौंपा। इंद्र ने हजार नेत्र बनाकर उनका अतिशय सुंदर रूप देखा, फिर भी वह तृप्ति को प्राप्त नहीं हुआ था। जिन बालक को अपनी गोद में रखकर ऐरावत हाथी पर बैठा हुआ चतुर्मैन उस समय ऐसा सुशोभित रहा था मानो सूर्योदय से सहित निशाचल का शिखरी हो, जो छत्र की छाया रूपी वस्त्र से आच्छादित थे तथा जिनके दोनों ओर चमरों के समुद्र रहे थे, ऐसे जिन बालक को सौदमय देव समूह के साथ सुमेरु पर्वत के शिखर पर ले गया। इंद्र ने पहले आकर देव समूह के साथ मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा दी, फिर पांडुक शिला पर सिंहासन पर जिन बालक को विराजमान किया। उस समय देवों के क्षोभ को प्राप्त हुए समुद्र के समान गंभीर शब्द वाले भेरी, पटेल, मर्दर तथा मृदंग आगे बाजे बजा और शंख फूके। किन्नर, गदर्व, तुम्बुबी, नारा तथा विश्वासु जाति के समस्त देव अपनी अपनी स्त्रियों के साथ कानों तथा हृदय को रनने वाली भांति भांति के गान गाने लगे। उस समय देव तत्व विदत घन और सुशीर नाम के चारों मनोहारी बाजे बजा रहे थे। हाव भाव से सुंदर अंगहारों से युक्त श्रृंगार रसों से आश्चर्य उत्पन्न करने वाले अप्सराओं का नृत्य हो रहा था। इस प्रकार वहाँ देव समूह के द्वारा महान आनंद मनाया जा रहा था। लंबी लंबी चौड़ी गुफाओं से युक्त मेरु पर्वत उनकी प्रतिध्वनि से गूंज रहा था। हर्ष से भरा हुआ सौदर्मय अभिषेक के लिए योग्य वेश धारण कर रहा था और उत्तम देवांगनाएं अपने हाथों में अष्टमंगल द्रव्य धारण कर रही थी। तब महावेगशाली देवों के समूह घट लेकर विशाल मेघों के समान समस्त दिशाओं में फैल गए थे और उन्होंने क्षीर सागर को क्षोभित कर दिया था। क्षीर से भरे हुए चांदी और सोने के कलश देवों के द्वारा एक हाथ से दूसरे हाथ में दिए जाकर सुमेरु पर्वत पर पहुंच रहे थे और वे चंद्र तथा सूर्य के समान सुशोभित हो रहे थे। निरंतर शब्द करने वाले एवं क्षीर सागर के जल से भरे हुए कलशों के द्वारा हजारों देवों ने जिनेन भगवान का अभिषेक किया। उस समय इंद्र के कलश रूपी महामेघ जिन पर्वत के ऊपर क्षीरोदक की वर्षा कर रहे थे, परंतु वे रंच मात्र भी खेत को प्राप्त नहीं कारण नहीं हुए थे। भगवान के श्वासोश्वास बार बार उछाले हुए क्षीरोदक के प्रवाह से प्रेरित देव उस क्षीरोदक के समूह में क्षण भर के लिए मक्खियों के समूह के समान तैरने लगते थे। देवों के समूह ने पहले जिस मेरु के को रत्नों से पीला देखा था, उस समय क्षीर सागर के पूरक से सफेद दिखने लगा था। यद्यपि क्षीर सागर अत्यंत परोक्ष लब्ध थी, जिनेन्द्र के जन्माष्टमी के समय देवों के समूह ने उसे प्रत्यक्ष कर दिखाया था। वह मेरु पर्वत स्नान का आसन था, क्षीर समुद्र का क्षीर स्नान जल था और देव स्नान कराने वाले थे, ऐसा वह भगवान का स्नान था। इंद्र, सामान्यतः लोकपाल आदि अनेक देवों ने क्षीर सागर से जल से भगवान का क्रमपूर्वक अभिषेक किया था। तदंतर जिसके हाथों पल्लवों के समान अत्यंत सुकुमार थे, ऐसी इंद्राणी आदि देवियों ने अतिशय सुकुमार जिन बालकों अपनी दिव्य सुगंधि से भ्रमर समूह को आकर्षित करने वाले अनुलेपन से उपनयन किया था और इस तरह उन्होंने जिन बालक के स्पर्श से समुत्पन्न नूतन सुख प्राप्त किया था। तदंतर पयोधर भार मेघों की वार से नम्रीभूत वर्षा ऋतु जिस प्रकार पर्वत का अभिषेक अति उसी प्रकार पयोधर भार स्तनों के भार से नम्रीभूत देवियों ने सुगंधित जल के भरे कलशों के द्वारा भगवान का अभिषेक किया था। जो परम सुंदर सम चतुरस संस्थान को धारण कर रहे थे तथा वृषभ वृष नाराज सहनन से जिसका शरीर अत्यंत दृढ़ था, ऐसे अक्षय काय जिन बालक के वज्र के समान मजबूत कानों को वज्रमयी सूची की नोक से किसी तरह वेद चका था, तथा कानों में पहनाए हुए दो कुंडल से भगवान उस तरह सुशोभित हो रहे थे जिस तरह सतह सेवा करने वाला दो सूर्यों से जम्बू सुशोभित होता है। भगवान की चिकनी एवं नीली चोटी पर धारण किया गया था पद्माग मणि ऐसा वर्षोत्कृष्ट को प्राप्त हो रहा था मानो इंद्र नील मणि के ऊपर ही धारण किया गया। भगवान के ललाट पट पर बनाई हुई सफेद चंदन की खोर संध्या के पीले बादलों के बीच वर्तमान अर्धचंद्र की रेखा के समान सुशोभित हो रही थी
उतना उत्तम रत्नों से खचित स्वर्णमय बाजूबंधों से सुशोभित उनकी दोनों कोमल भुजाएं फणा के मलियों से सहित दो बाल सर्पों के समान जान पड़ती थी। उत्तम मणिमय कणों से जिसकी शोभा बढ़ी ऐसे उन दोनों कलाइयां देवों की आश्रित रत्नाचल के दो तटों के समान सुशोभित थी, जिसमें बड़े बड़े मोती लगे हुए ऐसे सुंदर हार से उनका वक्षस्थल सुशोभित होता था जिस तरह झरनों से किसी पर्वत का उत्तम तट सुशोभित हो रहा हो। देदीप्यमान रत्नों से निर्मित प्रालंब सूत्र से भगवान उस तरह सुशोभित हो रहे थे जिस तरह सुंदर कल्पता से विस्तृत कल्पलोक सुशोभित हो रहा हो। रंग बिरंगे वस्त्र से ऊपर स्थित कणी सूत्र से भगवान की कटी से जान पड़ती थी मानो मेघ के ऊपर स्थित बिजली की किरण से शोभित किसी पर्वत की चोटी हो। जिनमें रुंझुन करने वाले मणि में आभूषण पहनाए गए थे उनके दोनों चरण परस्पर वार्तालाप करते हुए समान जान पड़ते थे। रत्न रहते स्वर्ण में मुद्रियों से वे सुशोभित हो रहे थे और मानो अपनी अंगुलियों से टपकते हुए अत्यधिक सौंदर्य की रक्षा के निमित्त उन पर मुद्रा मुहर लगा दी थी। पहले तो भगवान का पर चंदन का लेप लगाया था और उसके ऊपर केसर के तिलक लगाए गए थे जिससे वे संध्या काल के पीले पीले मेघ खंडों से युक्त स्फटिक के पर्वत के समान सुशोभित होने लगे। स्वच्छ एवं हंसमाला के समान उज्ज्वल उत्तरीय वस्त्रों को धारण किए हुए भगवान शुभ आकार वाले रजत ऋतु के निर्मल मेघ के समान जान पड़ते थे। उस समय माला बनाने के कौशल में अत्यंत निपुण देवांगनाओं के द्वारा संतानक पारिजात आदि देवलोक के वृक्षों से उत्पन्न पुष्पों से जल संबंधी नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों से तथा भद्रशाल नंदन सोमनस और पांडुक वल के पुष्पों से गूंथी हुई मूण माला के अग्रभाग को अलंकृत करने वाली माला से वे सुमेरु के आभूषण भगवान अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे। वे भगवान भद्रशाल नंदन सोमनस और पांडुक इन चारों वन स्वरूप सुशोभित थे। भद्रशाल इसलिए था कि उसकी शाला अर्थात प्रसाद भद्रता उत्तम थी। नंदन इसलिए था क्योंकि जगत के सब जीवों को अत्यधिक आनंद करने वाले थे। सोमनस इसलिए था कि उत्तम हृदय को धारण करने वाले थे और पांडुक इसलिए था कि वे स्वयं जैसे पांडुक सफेद हो रहे थे। जो तीनों लोकों में विशेषक अर्थात तिलक के समान श्रेष्ठ थे ये विशेषकों को अर्थात तिलकों के द्वारा सुशोभित किए हुए थे और देव विशेषक अर्थात विशिष्ट देवों के द्वारा विभूषित किए गए थे। ऐसे भगवान उस समय विशेष रूप से शोभायमान हो रहे थे। यद्यपि जिन बालक स्वयं निरंजन कज्जल पाप से रहित थे तथा तो भी उनके मुख पर जो नेत्र थे वे उत्तम अंजन कंजल से अलंकृत थे और सूर्य तथा चंद्रमा की दीप्ति तक कांति को जीतने वाले थे। वे सची कीर्ति तथा लक्ष्मी नामक देवियों ने अपने हाथों से उन्हें उस तरह अलंकृत किया था जिससे वे इंद्रादिक देवों का मन हरण करने लगे थे। तरंदा युग के आदि में हुए उस प्रधान पुरुष का ऋषभ नाम देकर अंत रखकर इंद्र आदि देव उनकी स्थिति इस प्रकार करने लगे। हे ऋषभ देव, मति श्रुति और अवधि ज्ञान रूपी श्रेष्ठ नेत्रों का धारण करने वाले याद आप यद्यपि भरत क्षेत्र में उत्तम हुए फिर भी आपने तीनों लोकों को प्रकाशमान कर दिया है। हे भगवान, जब आप मनुष्य भव में आने के लिए सम्मुख थे तभी रत्नवृत्ति वृष्टि आदि अद्भुत कार्य दिखा को आपने जगत को आधीन कर लिया था। फिर अब तो आप मनुष्य भव में स्वयं उत्पन्न हुए तो इस बात की क्या बात है। हे नाथ, बहुत बड़े शिखर से युक्त सुमेरु पर्वत को भी आपने अपने पैर के नीचे दबा दिया इसलिए आप समस्त स्वामियों में महागुरु अत्यंत श्रेष्ठ हैं और बालक अवस्था में भी बालक जैसी आपको चेष्टा नहीं है। जो देव रूपी पर्वत अपने चरणों के अग्रभाग से कभी समस्त पृथ्वी का स्पर्श भी नहीं कर सकते थे वे देव रूपी पर्वत अपने मुकुट रूपी ऊंचे शिखरों से आपके दोनों चरणों को धारण कर रहे हैं। सो यह क्या आपकी मंत्र शक्ति है या प्रभु शक्ति है या उत्साह शक्ति है अथवा कोई दूसरा ही महान आश्चर्य है। भवात, जो देव देवत्व के अभिमान से चूर होकर पृथ्वी को तुच्छ समझते हैं वही आपको अपने सिर पर धारण कर रहे हैं, इससे आपका सर्वोपरि प्रभाव सिद्ध है। हे नाथ, पौरुष के से वश में ना होने वाले तीनों जगत को आपने कैसे विधि के समान एक साथ अपने अधीन कर लिया। जिस प्रकार विधि नियति तीनों जगत को आपने अधीन किए हुए हैं उसी प्रकार आपने भी तीनों जगत को अपने अधीन कर लिया है, परंतु यह कार्य पुरुषार्थ साध्य नहीं है, यह तो केवल आपकी अचिंत्य आत्मशक्ति का ही प्रभाव है। हे नाथ, कहाँ तो यह सुकुमारता और कहाँ ऐसी कठोरता। हे प्रभु, विरुद्ध पदार्थों का संभव आप में ही दिख पड़ता है। मनुष्य देव और दानवों के लिए दुर्लभ तथा 1008 व्यंजन और लक्षणों से युक्त आपका यह रूप अतिशय शोभायमान हो रहा है। हे भगवान, आपका शरीर चरम पर्याय धारण करने की अपेक्षा अंतिम है तथा रूप के अतिशय से प्राप्त प्रथम है, सर्वश्रेष्ठ है और युद्ध के बिना ही समस्त विश्व को नम्रीभूत कर रहा है। हे नाथ, जब आप गर्भ में स्थित थे तभी सबको ईष्ट हिरण्य सुवर्ण की वृद्धि हुई थी इसलिए देव आपको हिरण्य गर्भ कहते हैं। हे प्रभु, इस भव से पूर्व तीसरे भव में जो तीन ज्ञान प्रकट हुए थे
उन्हीं के साथ आप यहाँ उत्पन्न हुए, इसलिए आप स्वयंभू कहे जाते हैं। क्योंकि आप भरत क्षेत्र में नाना प्रकार की व्यवस्थाओं को करने वाले होंगे, इसलिए आप विधाता इस सार्थक नाम से धारी कहे जाते हैं। हे प्रभु, आप सब ओर से प्रजा की रक्षा करते हुए अपूर्व ही प्रभु हुए हैं, इसलिए आप प्रजापति कहलाते हैं। हे प्रभु, आपको रहते हुए प्रजा बहुत प्रीति से अक्षर रस का आस्वादन करेगी, इसलिए आप इक्ष्वाकु कहे जाते हैं। आप समस्त पुराण पुरुषों में प्रथम हैं, महिमा के धारक हैं, स्वयं महान हैं और यहाँ अतिशय दैवीमान है, इसलिए पुरुष देव कहलाते हैं। हे भगवान, आपने भरत क्षेत्र के आसन पर आरूढ़ होकर 3 लोक का ऐश्वर्य उपार्जित किया है, सो अत्यंत ऐश्वर्य को धारण करने वाले आपके लिए यह अत्यंत तुच्छ बात है, आश्चर्य की बात नहीं है। हे प्रभु, आप स्वयं बुद्ध होकर अतिशय कठिन तप करने वाले हैं, उत्तम ज्ञान और बहुत भारी यश के रचयिता हैं। हे विभो, पृथ्वी पर आप धीर वीर मुनि बन के प्राणियों के लिए कल्याणकारी धान धर्म की श्रेष्ठता स्वयं निर्दोष पात्रता को दिखलावेंगे। आप मुनि बनकर लोगों में दान धर्म की प्रवृत्ति चलाएंगे और अपनी प्रवृत्ति से प्रकट करेंगे निर्दोष पात्र कैसे होते हैं। हे भगवान, आप काम रूपी भुजंग को नष्ट करने के लिए मंत्र हैं, द्वेष रूपी हाथी को वश करने के लिए अंकुश तथा मोह रूपी मेघ पटल के संचार को नष्ट करने के लिए प्रचंड वायु हैं। हे स्वामी, आप प्रशस्त तथा निश्चल ध्यान के द्वारा जिससे मछलियाँ सो रही है ऐसे महासंवर के समान है, तो संवर को धारण कर आप घातिया कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। हे नाथ, तेल से निरपेक्ष केवल ज्ञान रूपी दीप के द्वारा जिन्होंने समस्त पदार्थों को प्रकाशित कर दिया है, ऐसे मोक्ष मार्ग के उपदेशक आप पृथ्वी पर स्वभाव से ही होंगे। हे भगवान, इस भारतवर्ष में 18 कोड़ी सागर तक धर्म का नाम निर्मूल नष्ट रहा, अब आप पुनः उसकी सृष्टि करेंगे। भावात उस सर्पणी के 4थे 5वें 6ठे और सर्पणी के 1ले 2रे 3रे काल के 18 कोड़ा सागर तक यह भोग भूमि की प्रवृत्ति रही, इसलिए भोगों की मुख्यता होने से यह चारित्र धर्म नहीं चारित्र उपधर्म नहीं रहा, अब आप पुनः उसकी प्रवृत्ति करेंगे। हे नाथ, आप परम बुद्धिमान हो, दिशा भ्रांति के कारण जिसकी बुद्धि अंधी हो रही हो ऐसे भव्य प्राणियों के लिए आप स्वर्ग तथा मोक्ष का मार्ग बतलाने के लिए उपदेशक हुए हैं। हे नाथ, इस समय आपके उपदेश से भव्य जीवों के समूह संसार में स्वर्ग लक्ष्मी के स्वामी तथा मोक्ष लक्ष्मी की आशा होंगे। हे भगवान, आपके द्वारा चलाया हुआ मार्ग प्रमाण और नए प्रमाण मार्ग के अविरुद्ध है और उस पर चलकर जगत के प्राणी अपने प्रिय स्थान को प्राप्त करेंगे। हे नाथ, आप 3 लोकों का उपकार करने वाले हैं, इसलिए हित के इच्छुक जीवों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक नमस्कार करने योग्य, स्तुति करने योग्य और ध्यान करने योग्य हैं। हे प्रभु, आपको प्रमाण करने से प्राणियों का कार्य कृतार्थ हो जाता है, आपके गुणों की स्थिति करने से उनकी वाणी सार्थक हो जाती है, आपका ध्यान करने से उनका मन गुण सहित हो जाता है। हे नाथ, आपके मृत्यु नत को नष्ट करने के लिए मल्ल है अथा आपको नमस्कार हो। आप संसार को नाश करने वाले नष्ट करने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप बुढ़ापे का अंत करने वाले हैं तो आपको नमस्कार हो। आप कर्मों को नष्ट करने वाले तो आपको नमस्कार हो। हे भगवान, आप अनंत ज्ञान के स्वामी हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप अनंत दर्शन के धारक हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप अनंत बल से सहित है, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप अनंत सुख से संपन्न है, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप 3 लोकों के स्वामी हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप समस्त जीवों के बंधु हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप 3 लोक में अद्वितीय वीर हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप लोक के विधाता हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। हे जिन आप चंद्र मारुख हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। हे जिन आप सूर्य स्वरूप हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। हे जिन आप सबका हित करने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। हे जिन आप सबकी रक्षा करने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। इस प्रकार सैकड़ों प्रकार की स्तुतियों से स्तुति कर नमस्कार कर इंद्र आदि देवों ने उनसे ही बार बार यही याचना की, हे भगवान, हमारी उत्तम भक्ति सदा आप में बनी रहे। तदंतर शीघ्रगामी देवों की सेवा से घिरा हुआ इंद्र जिन बालक को साथ लेकर मेरु पर्वत से चला, सुवर्ण और कनेर के फूलों की राशि के समान पीत शरीर के धारक जिन बालक को चलते फिरते रजता चल के सदृश ऐरावत हाथी पर सवार कर वह अयोध्या की ओर चला, जो शस्त्रों के द्वारा अयोध्या की ध्वजाओं की पंक्तियों से सुशोभित थी, बाजू की ध्वनि से व्याप्त तथा अपनी सेना के समान जान पड़ती, ऐसी अयोध्या में पहुंचकर जिन बालक को इंद्राणी के द्वारा माता की गोद में विराजमान कराया, तदंतर माता पिता को नमस्कार कर शीघ्र ही सुंदर वेशभूषा से युक्त तांडव नृत्य करना प्रारंभ किया। उस समय वह इंद्र नृत्य करने वाली देवांगनाओं से सुशोभित सुंदर भुजा रूपी वन से घिरा हुआ था और तांडव नृत्य के प्रारंभ में ही उसने पृथ्वी को कंपायमान कर दिया था और भगवान के माता पिता इस नृत्य के दर्शक थे। उसके चिरकाल तक आनंद नाटक का अभिनय कर तथा आयोग उनका सत्कार कर इन देवों के साथ अपने स्थान पर चला गया। जिनेन्द्र भगवान के जन्म से 15 मार पूर्व प्रतिदिन तक उनके पिता के घर
3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा आकाश से बढ़ती थी। हमारा पुत्र इंद्रों के समूह द्वारा सुमेरु पर्वत पर अभिषेक को प्राप्त होता तीनों लोकों के स्वामी है। यह जानकर उस समय अतिशय उदार राजा नाभिराज और मरुदेवी महान आनंद वशीभूत होकर स्वसंवेद सुख को प्राप्त हुए। गौतम स्वामी कहते हैं कि भगवान ऋषभदेव के स्वर्गातार और जन्माभिषेक इंद्र कल्याण को का वर्णन जो भक्ति पुरुष सदा पढ़ता है जो सुनता है वह संसार में जिन सूर्य के समान ही कल्याण को प्राप्त होता है। इस प्रकार अरिष्ट नेमि पुराण के संग्रह से युक्त जिन सेनाचार्य रचित हरिवंश पुराण में भगवान ऋषभदेव का जन्माभिषेक का वर्णन करने वाला 8वां सर्ग समाप्त हुआ।